वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। देखिए कि आज मैं कुछ डिलीशियस बनाने जा रहा हूँ, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए आज मैं कैप्सिकम और पीनट जो बोले तो मूँगफली रेसिपी आपको लोगों को शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिलीशियस होने वाला है, जो आप घर पर भी बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो इसमें हमने थोड़ा कैप्सिकम लिया है, 3 मीडियम कैप्सिकम लिया है, और 2 अनियन लिया है, और 2 पीस ग्रीन चिली लिया है इसमें, और 3 टेबलस्पून डालना है, ठीक है। और इसमें 1 स्पून जीरा डालना है, और 1 स्पून छोटा सा स्पून से सौंफ डालना है। उसको अच्छी तरीके से टॉस करना है ताकि हमारा जो कच्चा फ्लेवर ना रह जाए, उसको अच्छी तरीके से टॉस कर लेना है। उसके बाद देखिए हम ऑनियन ऐड कर रहे हैं, 2 पीस ऑनियन रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद देखिए इसमें करी लीव्स मैंने ऐड किया है 2-3 पीस, और उसको अच्छी तरीके से टॉस कर लेना है, जैसे कि मैं टॉस कर रहा हूँ। देखिए उसको अच्छी तरीके से भून लेना है ताकि कच्चा ना रह जाए। उसके बाद इसमें हमने 2-3 ग्रीन चिली डाला है, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 डाला है, ताकि हम रेड चिली भी डालेंगे। ज़्यादा डालेंगे ग्रीन चिली तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो सकता है, तो इसलिए ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2-3 पीस डालेंगे। देखिए मेरा ऑनियन ब्राउन हो चुका है, तो इसमें हमने मसाला और क्या ऐड कर रहे हैं, कोरिएंडर पाउडर 1 स्पून डालना है, और गरम मसाला डालना है, और हल्दी पाउडर डालना है, और रेड चिली पाउडर डालना है। उसको अच्छी तरीके से भून लेना है, इसको भी थोड़ा मसाला पकने देना है। उसके बाद हम कैप्सिकम जो 3 पीस कट करके रखे हैं उसको डाल देंगे, और उसको भी अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। देखिए अच्छी तरीके से भून लेना है ऐसे, और उसके बाद हम ढक के रखेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि स्टीम हो जाए। देखिए ढक के रखा है, उसके बाद स्वाद अनुसार अपने नमक डाल लेना है आप लोगों को, उसको चला लेना, मिक्स कर लेना है। देखिए मिक्स कर ले रहे हैं हम, सो देखिए उठा के फिर चेक कर लेना है, टाइम टाइम से ढक देना है, नहीं तो होगा नहीं, कैप्सिकम कच्चा ही कच्चा रह जाएगा। ये देखिए कितना डिलीशियस दिख रहा है मेरा कैप्सिकम और पीनट का सब्जी। उसके बाद हम फ्राई करके पीनट रखे हैं, उसको डालेंगे, ऐड करेंगे। देखिए ऐसा हो जाना चाहिए तभी डालना है पीनट को आपको, नहीं तो पहले पीनट डाल देंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो देखिए हमने फ्राई करके पीनट रखा है, जो ऐड कर रहे हैं पीनट इसमें, देखिए ऐड कर लेना है इसको भी, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा ही बना रहे हैं ना, इसीलिए थोड़ा ही बता रहे हैं, ज़्यादा आप अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा पीनट हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, चाहे पीनट या तो कैशनट आप डाल सकते हैं, जो आपको चॉइस हो डाल सकते हैं, दोनों आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। आप एक बार घर पर बना के ट्राई कर लीजिएगा, बहुत ही डिलीशियस होता है, बहुत ही ईजी है बनाना इसको घर पे। अगर कोई सब्जी ना हो तो घर पे हम आसानी तरीके से इसको बनाए। अब देखिए हमारा हो चुका है, इसको फ्लेम बंद कर लेते हैं, थोड़ा देर तक ठंडा हो लेने देंगे इसको। उसके बाद हम अपना प्लेट में निकाल के आपको दिखा रहे हैं, देखिए तो ये देखिए हमने रेडी हो चुका है हमारा, देखिए कितना लजीज दिख रहा है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही टेस्टी है, बना सकते हैं घर पे, वेरी इजी रेसिपी है। देखिए हमने निकाल के बॉल में रख दिया है, आप चाहे तो घर पे आसानी तरीके से बना सकते हैं। जो भाई लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।